सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा षष्ठ से विषय संस्कृत और सप्तदशा पाठ से दीपावली के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, बुक पर ध्यान देंगे। दीपावली अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः एतस्मिन् देशे बहवः धर्मावलम्बिनः निवसन्ति। हमारे देश का नाम भारत भारत है, भारतवर्ष है। एतस्मिन् देशे बहवः धर्मावलम्बिनः निवसन्ति। इस देश में बहुत से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अतः अत्र अनेके उत्सव आयोजन्ते। इसलिए यहाँ जो है बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं। एतेषु उत्सवेषु दीपावली अपि विशिष्टः महोत्सवः। और इन त्योहारों में दीपावली भी क्या है, विशेष है। अस्य नाम मात्रेण अपि जनानां मनसि आनन्दस्य संचारः भवति। इसके नाम मात्र से ही लोगों के मन में आनंद का संचार होता है, मतलब मन ही मन क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। यदा श्री राम रावणं जित्वा चतुर्दश वर्षस्य वनम वनवास अंतरम अयोध्याम आगच्छत् तदा सर्वे अपि जना सोत्साहेन नगरीं सुसज्जिताम् अकुर्वन्। जब श्री राम जो है रावण को जीतकर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए, तब सभी लोग जो है खुशी से नगर को क्या किए, सजाने का काम किए। ते च दीपानां पंक्तिभिः श्री रामस्य स्वागताय परमानंद प्रदर्शनम अकुर्वन्। और वे क्या किए, वे मतलब नगरवासी जो है दीपों से पंक्तिबद्ध, मतलब दीपों को क्या किए, पंक्तिबद्ध रखे। ठीक है, और श्री राम के स्वागत के लिए वे क्या किए, परम आनंद को प्राप्त किए। जना एनम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या तिथौ मन्यन्ते। और लोग इस त्यौहार को कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को मनाते हैं। एवं अयम उत्सव प्रतिवर्षम संपूर्ण भारतवर्षे सोत्साहम समायोज्यते। और इसलिए इस त्यौहार को प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। इदानी भारतीया दीपावल्या पूर्वम एव स्वगृहाणि स्वच्छानि सुधारभूतानि च कारयन्ति। इस त्यौहार को प्रत्येक भारतीय जो है, मतलब भारत के जो लोग हैं, वो दीपावली के पूर्व ही क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं, लिपाई पुताई, ठीक है, और ये स्वच्छता का कार्य करते हैं। गृहेषु जीर्णानां वस्तूनां आनीयन्ते। और घर में लोग जो है, घरों में लोग क्या करते हैं, पुरानी वस्तुएं के स्थान पर, जीर्णानि पुरानी वस्तुएं के स्थान पर क्या करते हैं, नए वस्त्र लाते हैं। चित्रैः मूर्तिभिः च गृहाणि सुसज्जितानि क्रियन्ते। और चित्र और मूर्तियों से क्या करते हैं, घरों को सजाते हैं। मिष्टान्न विक्रेतारः नवनवैः मिष्टान्नैः पर्यानि सुसज्जितानि कुर्वन्ति। और मिठाई बेचने वाले जो होते हैं, वे क्या करते हैं, नई मिठाइयों से अपने दुकान को सजाने का काम करते हैं, मतलब सजाकर रखते हैं। विपणिषु जनानां महति गता गति भवति महत् कोलाहलं च भवति। और बाजार में बहुत से लोगों का आना जाना होता है, जिसके कारण से महत् कोलाहलं च भवति, बहुत शोरगुल होता है। दीपावल्यां जनाः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। दीपावली में लोग जो होते हैं नए वस्त्र धारण करते हैं। ते पण्यविधिकासु गत्वा बहुविधानि वस्तूनि क्रीणन्ति। और वे क्या करते हैं, बाजार जाकर बहुत से वस्तुएं खरीदते हैं। ते मिष्टान्नानि कृत्वा इष्टमित्रेषु वितरन्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं, वे मिठाइयों को खरीद कर क्या करते हैं, अपने मित्रों को बांटते हैं। मिठाई खरीदते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मिठाइयों को बांटते हैं। ठीक, आगे ते नाना विधानि विस्फोटकानि विस्फोटयन्ति। वे बहुत प्रकार से, मतलब कई प्रकार से फटाके क्या करते हैं, फोड़ते हैं। जना लक्ष्मी पूजित्वा मिष्ठान्नानि खादन्ति। लोग क्या करते हैं,
मिठाइयां खाते हैं। अयम उत्सव भारतीयैः बहु उत्साहेन आयोज्यते और इस त्यौहार को भारतीय जो होते हैं बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। केचन जनादि त्वल्या रात्रौ जो क्रीडां कुर्वन्ति, कुछ लोग जो होते हैं दीपावली की रात में जुए भी खेलते हैं और मद्यपानम अपि कुर्वन्ति च अनर्गलं व्यवहरन्ति एतत्तु न युक्तम्। और शराब भी क्या करते हैं, पीने का काम करते हैं, अनर्गल व्यवहार करते हैं।